बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजराती किचन में आप सबको खुशामदीद। गुजराती किचन में जो आज मैं डिश बना रही हूँ वाइट मलाई बोटी है। तो चलिए आइए आपको मैं सारी चीज़ें बता देती हूँ। एक क्रीम है, ये आधा किलो के करीब दही है। इसे इन दोनों को हम फेंक के डालेंगे मिक्स करके। और ये 3 पाव के करीब चिकन है जिसे मैंने छोटा छोटा कर लिया है, तकरीबन इस साइज़ में 2 के मैंने रखा है ये वाला चिकन। और ये 1 पैनी दही है, इसके अंदर 4 अदद सब्ज़ मिर्च हैं जो मैंने ब्लेंड कर लिया है। ये 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर है, ये 1 टेबल स्पून वाइट पेपर है। तो ज़रूरी नहीं हो कि वाइट पेपर आपने लाजमी डालनी है, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास वाइट पेपर है तो आप डाल लें, नहीं तो आप ब्लैक पेपर और ग्रीन चिली के साथ ही बना सकते हैं। और ये भी दही है और दूसरा सादा भी दही है, तो इसे हम मिक्स करके डालेंगे। चले आइए रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी, ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ऑयल गरम हो गया तो अब हम इसमें चिकन डालते हैं। इसे हमने अच्छा सा फ्राई कर लेना है, तकरीबन 10 मिनट हमने फ्राई करना है ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए चिकन का और चिकन जो है ना गोल्डन ब्राउन हो जाए। अच्छी तरह फ्राई करेंगे इसे। कवर करके रख देते हैं तकरीबन 10 मिनट तक। तब तक इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और बाद में फिर हम लिड ऊपर उठा के तो इसे ब्राउन कर लेंगे। तकरीबन 20 मिनट हो गया मैं इसे पका रही हूँ। देखो कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। अब मैं नमक ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून में नमक ऐड कर दिया मैंने। दही के अंदर जो मैंने मिर्चें ब्लेंड की थी वो मैंने डाल दी हैं। 1 प्यारी दही थी और 3-4 अदद मिर्चें। मिर्चें डाल के मैंने ब्लेंड कर लिया है, इसलिए दही का कलर ऐसे हो गया हल्का हल्का ग्रीन। तो अगर आप ज़्यादा सब्ज़ मिर्चें डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, ज़रूरी नहीं है कि 3-4 ही डालें। ज़्यादा बना रही हैं तो फिर ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने बस 4 अदद मिर्चें ब्लेंड की हैं, ये ज़रा लाइट ही बनता है। अच्छे तरीके से हम पका लेंगे इसे। लेट दे देंगे और तकरीबन
मिनट तक पकने देंगे। दस मिनट उगने से पकते हुए अब मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, वाइट पेपर ऐड करूँगी। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, अगर ज़्यादा तीखा करना चाहें तो आप ज़्यादा ऐड कर लें। ये फेंटा हुआ दही है, ये ऐड कर रही हूँ। ये मैंने फेंटी हुई दही, वो दही था, ये क्रीम है, ये मैं ऐड कर रही हूँ। अब आपने चम्मच रोकना नहीं, जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता, इसका मसाला नहीं बन जाता, आपने चम्मच रोकना नहीं, चम्मच चलाते रहना है। चम्मच अगर रोक लेंगे तो क्रीमी क्रीमी नहीं बनेगा। जब तक ये ड्राई नहीं होता चम्मच चलाते रहना है, तकरीबन 10-15 मिनट लगेंगे। तीन पाव ये चिकन है, तीन पाव दही इसमें डालेगी और एक मिल्क पैक क्रीम का वो एक डालेंगे। तो कुछ मैंने अलग-अलग रख दिया था फेंट के, तो एक डिश में मैंने 3-4 सब्ज़ मिर्चें ब्लेंड करके डाल ली हैं, तकरीबन 3 पाव के करीब दही था। तो अगर आप आधा किलो बनाना चाहते हैं तो आप आधी क्रीम ऐड करेंगे उसमें और आधा ही किलो दही, तो मिर्च जो है ना अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं आप। चलिए जी, मलाई बोटी हमारी तैयार है। देखिए कितना खूबसूरत इसका लुक लग रहा है, तो ऐसे क्रीमी क्रीमी बननी चाहिए। तो अगर आप इसे ज़्यादा ग्रेवी, अगर आपको इतनी पसंद है तो आप इतनी रखें, नहीं तो आप ज़्यादा ड्राई भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो चलें डिश आउट करते हैं। चलिए जी, अगर आपको ये वाइट मलाई बोटी की रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मुझे मेरे साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो एंड तक देखें। या